चाहे पॉलिटिकल सपोर्ट हो, चाहे जितने भी हमारे किसान हैं वो हमारे साथ में आए, चाहे हमारी खाप पंचायतें हैं वो साथ में आए, तो सभी का स्वागत है। हमें किसी से, हम सभी के हैं। हमने सोचा था कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आएंगी तो हमारे साथ में पॉलिटिक्स नहीं होगा। पॉलिटिक्स तो जब भी हो गया ना हमारे साथ में, हमें तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कोई दोष नहीं है। राजनीति करने वाले जो लोग होंगे वो राजनीति कर ही जाएंगे अपने लेवल पे, लेकिन हमें सपोर्ट चाहिए, अभी देश का सपोर्ट चाहिए। स्ट्रगल विनेश, पोडियम से अब आप लोग फुटपाथ पे आ गए हैं, ये लड़ाई जो इतनी लंबी चल रही है, कल रात एक एथलीट के लिए इस फुटपाथ पर कैसी थी? देखिए, पहले तो आप लोगों को पता है कि खाना ही नहीं अंदर आने दे रही थी पुलिस, पानी वानी का सब बंद कर दिया था, लेकिन जब सब मीडिया लोगों ने सब कवर करना स्टार्ट कर दिया तो फिर वो लोग भी पीछे हट गए कि कहीं हम न्यूज में ना आ जाए, कुछ बड़ी बात ना हो जाए। उसके बाद खाना पीना हमें मिलने लगा, लेकिन तकरीबन 1:30-2 बजे रात को ये पता नहीं जानबूझ के करे थे क्या, बैरिकेटिंग करने लगे जोर जोर से। सब लोग सो रहे थे और उनको डिस्टर्ब करने के, दुखी करने के लिए बैरिकेटिंग करने लगे जोर जोर से। फिर भी हम चुप रहे, कोई नहीं। फिर रात को मच्छर काटे जा रहे, हमारे पास कोई एसी पंखा थोड़ी इधर, हम तो सिर्फ खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, तो मच्छर काट रहे थे पूरी रात। सोए तो क्या ही है, बस 5 मिनट के लिए सो गए, फिर उठ गए, फिर दवाई लगा रहे मच्छर काटने वाले की, मच्छर ना काटे, क्योंकि हमें ये भी है कि कहीं हम बीमार ना पड़ जाए इस सिचुएशन में, तो वो भी ध्यान रखना पड़ रहा थोड़ा। विनेश, लेकिन जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब आप लोगों ने उम्मीद की थी कि यहाँ तक की स्थिति आ जाएगी कि पहलवानों को मैट छोड़कर रात जो है फुटपाथ पे गुजारनी पड़ेगी सिर्फ अपनी हक की बात करने के लिए? नहीं, देखिए, स्टार्टिंग में तो हमें ये लगा था कि अगर देश के इतने बड़े खिलाड़ी अगर सामने आके कुछ भी रखेंगे तो उसी टाइम पे उसका समाधान हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम जब मेडल जीत के आते हैं तब तो हमें पूरे सराखों पे बिठाया जाता है कि नहीं नहीं, हम जितना भी बोलेंगे खिलाड़ियों के लिए हर जीने मरने को तैयार है, लेकिन वो खिलाड़ी आज मरने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन जिंदा करने के लिए कोई है नहीं हमें। तो पुलिस का डर भी था, आप लोगों को लग रहा था रात में कभी मतलब कुछ भी हो सकता है, उठा सकते हैं, ऐसा लग रहा था आप लोगों? बहुत ज्यादा, मतलब पुलिस तो गश्त कर ही रही थी, लेकिन हमें डर नहीं था कि वो अगर वो लेके जाएंगे तो कहाँ लेके, हम तो घर नहीं जाएंगे, पुलिस स्टेशन ले चलो, हमारे ऊपर केस डाल दो, जेल में डाल दो, हम हर चीज के लिए रेडी हैं, लेकिन जो जिस चीज के लिए आए हैं इस बार पीछे नहीं हटेंगे कोई भी, मतलब हम राजनीति नहीं करने देंगे अपने साथ में कि वो हमें राजनीति करके यहाँ से पागल बना के उठा ले जाएंगे जैसे लास्ट टाइम किया था, तो वैसा तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। विनेश, आयोग ने भी अपनी कमेटी बनाई थी, मंत्रालय ने भी अपनी कमेटी बनाई थी, क्या लगता है आपको कि अभी आयोग ने भी की कमेटी ने भी रिपोर्ट सबमिट करी नहीं है, आपको लगता है कि दो दो कमेटियां थी लेकिन फिर भी रेसलर्स की बात उस तरीके से सुनी नहीं गई? देखिए, दो कमेटियां थी लेकिन कुछ मेंबर्स थे वो दोनों कमेटियों में सेम थे, पहले तो वही हमें समझ में नहीं आया था, लेकिन जो भी गवर्नमेंट कर रही थी हम हर चीज के ऊपर हम एग्री थे, हमें सिर्फ न्याय चाहिए था, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर आज हमारे साथ में अगर वो अच्छे से बात सुनते, जब हम कमेटी में कुछ बता रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है, लड़कियां रो रही हैं लेकिन सामने वाले हंस रहे हैं, तो आप समझ रहे होगे कैसा माहौल था, हमारे लिए कितना मेंटली टॉर्चर था। ऐसी स्थिति से गुजर के भी हमने उन पे विश्वास किया कि कोई नहीं, हम अब भी विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी 3 महीने किसी खिलाड़ी के लिए 3 महीने उस दर्द से गुजरना हर टाइम पे आसानी होता है, रात को चैन से सोया नहीं जाता जब हम इस चीज से गुजर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम विश्वास कर रहे थे, लेकिन 3 महीने गुजर गए, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने को रेडी नहीं है, किसी से भी कॉल करें कोई कुछ बताने को रेडी नहीं है, मजबूरी में हमें केस फाइल करने के लिए जाना पड़ा कि अभी हमें कंप्लेंट करनी पड़ेगी, जब हम पहले कंप्लेंट्स करने के हम सोच रहे थे लेकिन गवर्नमेंट बोली कि हमें जो फाइंडिंग मिलेगा हम कंप्लेंट्स करेंगे खुद से, तो हमने सोचा कि चलो ये और भी अच्छा है और जल्दी, हम खिलाड़ी हम 10 साल तक हम जेल के चक्कर नहीं काटना चाहते कि हम कोर्ट में आएंगे जाएंगे, हमें यह था कि 1 महीने में अगर उस चीज का समाधान हो जाता है और लड़कियों को न्याय मिल जाता है तो इससे अच्छी बात ही क्या होगी, इसलिए हम लोगों ने एग्री किया था, हमने कोई बंद दरवाजों के पीछे कोई समझौता नहीं किया था। पॉलिटिकल सपोर्ट अगर मिलता है आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? चाहे पॉलिटिकल सपोर्ट हो, चाहे जितने भी हमारे किसान हैं वो हमारे साथ में आए, चाहे हमारी खाप पंचायतें हैं वो साथ में आए, तो सभी का स्वागत है, हमें किसी से, हम सभी के हैं, खिलाड़ी सभी का होता है। जब लास्ट टाइम हमने सोचा था कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आएंगी तो हमारे साथ में पॉलिटिक्स नहीं होगा, पॉलिटिक्स तो जब भी हो गया ना हमारे साथ में, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कोई दोष नहीं है। राजनीति करने वाले जो लोग होंगे वो राजनीति कर ही जाएंगे अपने लेवल पे, लेकिन हमें सपोर्ट चाहिए, अभी देश का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बाकी सब लोगों ने तो हमारे साथ धोखा किया है, अभी देश के जो लोग हैं, हमारा जो हिंदुस्तान है, वही हमें न्याय दिलवा सकता है बस।